हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी यूनिट चल रही है और पार्ट 9 में हम लोग आ गए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। डियर स्टूडेंट्स, इस कोलराउस लॉ और इसके जो एप्लीकेशंस हैं, इसको हम लोग टोटल दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में आप कोलराउस लॉ का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, उसकी पूरी स्टोरी और डेफिनेशन, एप्लीकेशंस और कुछ पीवाईक्यू हम लोग लेने वाले हैं पार्ट 1 में। और पार्ट जो 2 है, उसमें आप लोग जो बाकी बचे हुए पीवाईक्यू हैं नीट के, जेई के और आपके आरपीएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशंस के, वो हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से कोलराउस लॉ का पार्ट 1। में हम लोग आ गए हैं और इस पार्ट में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पीजी लेवल के सिलेबस में है, कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कोलराउस लॉ को समझने के पहले हमें इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी समझनी पड़ेगी और कुछ टर्म्स हैं जिनके मीनिंग हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहला है आपका मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, यानी कि लेमडा एम। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? देखो, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाई 1 ग्राम मोल क्वांटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि एक इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल, एक इलेक्ट्रोलाइट का किसी सॉल्यूशन में जब 1 मोल प्रेजेंट हो तब उसकी जो कंडक्टेंस होती है वो होती है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब अगला जो टर्म है वो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को दिखाते हैं हम लोग लैम्डा एम नॉट से, ठीक है। ये क्या होती है? देखो, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि किसी सोल्यूशन को हम लोग इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दें तब उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि एक सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पर लिमिटिंग वर्ड लगाया गया है, ठीक है ना। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन से आप क्या समझते हैं भाई? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये हो गया कि किसी सॉल्यूशन को इतना डाइल्यूट करें कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाए, ऑलमोस्ट जीरो कॉन्सेंट्रेशन हो जाए वहां पर, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन अप्रोचेज जीरो, यानी कि सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, इतना डाइल्यूट करें हम उसको, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये दोनों लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है। अब हमें मोलर कंडक्टिविटी का जो डाइल्यूशन के साथ वेरिएशन होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी। तो वेरिएशन ऑफ लेमडा एम, अब ये जो आप देख रहे हैं ना, देखो ये जो आप देख रहे हैं इसको कैपिटल लेमडा बोलते हैं, ये हो गया आपका लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी। तो ये जो होता है, आप कहेंगे सर इसको बोलते हैं लेमडा, तो नहीं, ये स्मॉल लेमडा है, स्मॉल ग्रीक लेटर है लेमडा, ये जो है ना उल्टा वी लिखा हुआ है ये कैपिटल लेमडा है, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन, देखो डाइल्यूट जब किसी सॉल्यूशन को करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को, तो लैम्डा एम का क्या होता है, इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? देखो, जितना ज्यादा डाइल्यूट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि जितना ज्यादा डाइल्यूट करते हैं तो जो देखो कंडक्टिविटी आयंस के मूवमेंट की वजह से होती है ना, तो जितना ज्यादा डाइल्यूट करेंगे तो वहां पर आयंस की जो मोबिलिटी है, उनका मूवमेंट हो, उतना ही ईजी हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकेंगे, ठीक है। तो इस केस में जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, इसलिए डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको समझाया है किसने? डेबाई हकल ओन्सागर ने अपनी इक्वेशन दे करके इसको समझाया है, जिसको बोलते हैं डेबाई हकल ओन्सागर इक्वेशन। ये इक्वेशन आपके सामने ये रही, ये एक तरह से रिलेशन है किसमें, लैम्डा एम नॉट में और लैम्डा एम में, है ना, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में, ठीक है। अब डेबाई हकल ओन्सागर इक्वेशन जो है उसके बेसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि हम लोग देखो जो लैम्डा एम नॉट है यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, वो बेसिकली कौन सी मोलर कंडक्टिविटी है जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि अनंत तनुता को तो हम अचीव नहीं कर सकते ना, आप प्रैक्टिकली कर सकते हो क्या? अनंत सिचुएशन को कोई प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता, इनफाइनाइट का मतलब ही वो क्या हो गया, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन है, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी भी कैसे निकालें किसी इलेक्ट्रोलाइट की? नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम इनफाइनाइट टाइम डाइल्यूट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर डेबाई हकल ओन्सागर ने एक अल्टरनेट वे दिया है, अल्टरनेट रास्ता दिया है कि आप किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। डेबाई हकल ओन्सागर इक्वेशन ये रही, इसके बेसिस पे इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी और रूट ऑफ सी, सी यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है ना, ठीक है। अब
आप कंसंट्रेशन की वैल्यू देखो यहाँ पर, ये इधर इधर से हम चल रहे हैं, देखो जीरो जीरो कंसंट्रेशन यहाँ है, फिर यहाँ पर 0.1 है, 0.2 है, 0.3, यानी कि इधर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि इधर से इधर जाएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है। बात को समझ में आई कि नहीं आई आपको? ये बढ़ रहा है डाइल्यूशन इधर से इधर, ठीक है। तो अब डाइल्यूशन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर KCl लिया हुआ है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी में चेंज देखते हैं। हमने आ, 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 जब 0.3 कॉन्सेंट्रेशन जब लिया उसका, ठीक है, रूट सी की वैल्यू 0.3 है, तब KCl की जो मोलर कंडक्टिविटी वो इतनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको डाइल्यूट करते जाएंगे और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाएगी। ये देखो डाइल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, डाइल्यूशन जीरो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जीरो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लेमडा एम है वो बढ़ती चली जा रही है, ये लो, ठीक है। यहां तक हमने इसको डिटरमाइन किया हुआ है इस ग्राफ की लाइन को, ओके। अब डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन ये कहती है कि जो जो जिसको प्रैक्टिकली डिटरमाइन करना मुश्किल है, किसको, आपके लेमडा एम नॉट को, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको, उसको इस ग्राफ से कर सकते हैं। कैसे, आप इस लाइन को, ये जो ग्राफ की लाइन आई है ना, इसको एक्सट्रापोलेट कर दो, ये देखो एक्सट्रापोलेशन करके, ठीक है, ये जहां पर ये जो लेमडा एम वाली एक्सिस है, इसको जहां पर ये काट रही है ना, वो आपकी लेमडा एम नॉट हो गई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हुई। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे कंसंट्रेशन देखना चाहे कितनी है, जीरो कंसंट्रेशन है। बात आपको समझ में आई? यानी कि जब हम किसी सॉल्यूशन को इतना डाइल्यूट कर दें कि उसकी कंसंट्रेशन जीरो कंसंट्रेशन हो, ठीक है, तो वो मोलर कंडक्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। इसका मतलब इस ये लाइन जहां पर काट रही है इस एक्सिस को, लेमडा एम वाली एक्सिस को, वो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसी के लिए भी, इस ग्राफ की हेल्प से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके, एक्स्ट्रा ड्रॉ करके, है ना। बात समझ में आ गई? तो जो प्रैक्टिकली नहीं कर सकते वो थ्योरेटिकली इस ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं। अब बात आई भाई स्ट्रॉन्ग के लिए तो हो गया, वीक के लिए क्या होगा? भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे लैम्डा एम नॉट, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ये कैसे करेंगे? इसका इन्होंने एग्जाम्पल लिया CH3COOH, एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब इन्होंने वीक इलेक्ट्रोलाइट भी वहीं से शुरू किया, ये देखो इसकी मोलर कंडक्टिविटी इतनी थी, यानी कि 0.3, सेम कॉन्सेंट्रेशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बेचारे की मोलर कंडक्टिविटी कम होती है ना, है ना, इसीलिए इसका जो हमने पॉइंट बनाया है वो KCl से नीचे बनाया है, यानी कि कम मोलर कंडक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयन कम होते हैं इसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, है ना, डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता। अब देखो कमाल की बात, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग डायल्यूशन कराते हैं तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। ये देखो डायल्यूशन करा रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, डायल्यूशन करा रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे ही जीरो इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि जीरो कंसंट्रेशन के पास पहुंचेंगे, वैसे ही नंबर ऑफ आयन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन अचानक से बढ़ जाएगा, है ना, अचानक से 100% हो जाएगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें सडन चेंज आएगा और वो अचानक से बहुत ज्यादा हो जाएगी और उसकी लाइन एकदम सीधी हो जाएगी ऐसे, ठीक है, यानी कि जो लेमडा एम वाली जो एक्सिस है इसके पैरेलल हो जाएगी। ये देखो अब ये दोनों एक्सिस है पैरेलल हो गई, अब इसको कितना भी आगे बढ़ा लो ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इस ग्राफ की हेल्प से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा एम डिटरमाइन नहीं कर सकते। सुन लो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो गई कि भाई स्ट्रॉन्ग की तो डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन के जो ग्राफ है उससे आ रही है, लेकिन वीक की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे डिटरमाइन करें, हाउ टू डिटरमाइन लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहां आता है मैदान में कोलराउस, कोलराउस ने ये कहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट को कैलकुलेट डिटरमाइन करने का रास्ता मैं बताता हूं, और कोलराउस ने एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट किया, उसकी तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उसने जो लो दिया सीधा हम उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो लो है कोलराउस लो, उसको हम लोग बोलते हैं कोलराउस लो ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, माइग्रेशन का मतलब होता है गमन करना, ठीक है। तो जो जो आयनों का जो स्वतंत्र गमन है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, है ना। अब इसकी डेफिनेशन जो दो इसके स्टेटमेंट है वो फटाफट देख लेते हैं, वो क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का प्रत्येक आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली। ये दो भाई, ये इसका मास्टर स्ट्रोक है, इस पूरे लो का मास्टर स्ट्रोक क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ईच आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का जो प्रत्येक आयन है
वो माइग्रेट करता है इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से माइग्रेट करता है। यानी कि जैसे इलेक्ट्रोलाइट आपका NaCl है, तो NaCl में एक तो Na प्लस है और एक Cl माइनस है, तो इन्होंने इसने ये कहा है कि ये दोनों स्वतंत्र रूप से माइग्रेट करते हैं, यानी कि Cl इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करता है, उसको Na प्लस से कोई वास्ता नहीं है, और Na प्लस का Cl माइनस से कोई वास्ता नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करता है। यानी कि हम लोग बहुत बार, कई कई लोग बोलते हैं ना कि ये दोनों हैं तो भाई, लेकिन इन दोनों में, इन दोनों का, इन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही Na प्लस और Cl माइनस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रोलाइट के आयन है लेकिन एक दूसरे से ज्यादा वास्ता नहीं है, जब सोल्यूशन में माइग्रेट करते हैं तो इंडिपेंडेंटली करते हैं, यही कोलराउस उसने पहचाना, ठीक है। और आगे क्या हुआ, माइग्रेट इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं आगे, एंड मेक्स अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये लो। और जो इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसमें निश्चित कॉन्ट्रीब्यूशन देता है प्रत्येक आयन, बात समझ में आ गई, प्रत्येक आयन इंडिपेंडेंटली मूव करता है, स्वतंत्र रूप से गमन करता है और अपनी एक निश्चित भागीदारी निभाता है, मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की जितनी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसमें निश्चित अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है प्रत्येक आयन। अब इसका मतलब पता है क्या हुआ, अभी बात करेंगे, ठीक है। अब इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ, दूसरा स्टेटमेंट है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, लैम्डा एम नॉट की बात कर रहा है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन एंड एनायन, ये लो भाई। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग उस इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन्स हैं उनकी लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी के सम के रूप में, यानी कि उनके योग के रूप में, उनके टोटल के रूप में दिखा सकते हैं। कैटायन और एनायन की लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी का टोटल कर दो तो इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो आ जाएगी, ये इसने कहा है, ठीक है। यानी कि सारे आयन की जो लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी है उनको जोड़ दो, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव वालों को, और वो टोटल इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। एग्जाम्पल इन्होंने लिया है, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है AXBY, AXBY का मतलब समझ गए, एक्स और वाई क्या है, इनका कैटायन एनायन का नंबर है, ए तो हमारा कैटायन है, ठीक है, बी हमारा एनायन है, और ए का नंबर है एक्स और बी का नंबर है वाई, बात समझ में आ गई ना, ठीक है। अब इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, देखना जरा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एक्स लेमडा नॉट ए प्लस, ये लो भाई। यानी कि जो आपका कैटायन ए है ना, उसकी लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी, ये देखो, ये जो साइन हम यूज कर रहे हैं कैपिटल लेमडा, ये हम मोलर कंडक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना, और ये जो है ये छोटा लेमडा, ये आयनिक मोलर कंडक्टिविटी के लिए यूज दे रहे हैं, यानी कि प्रत्येक आयन की मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे दो तरह के आयन है ना, ए प्लस और बी माइनस, ठीक है, तो ए प्लस आयन की आयनिक मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स क्या है उसका नंबर, अभी बात करेंगे समझेंगे इसको भी, प्लस में वाई लेमडा नॉट बी माइनस, है ना। यानी कि ये बी माइनस क्या है, ये आपका एनायन है, ये एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए आप कैटायन की आयनिक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और एनायन की लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी का सम करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स से और वाई से, इंडिविजुअल टर्म्स को। एक्स और वाई क्या है, कैटायन और एनायन का नंबर है, ये देख लो नंबर है, समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए NaCl, NaCl की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसका फॉर्मूला क्या हुआ, Na प्लस की जो आयनिक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और Cl माइनस की आयनिक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपकी Na प्लस की, Na सॉरी NaCl की आ जाएगी। यानी कि इसने ये कहा कि NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसने अल्टरनेट रास्ता दे दिया, किसने, कोलराउस लो ने। इसने कहा कि एक इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन आते हैं उनकी आयनिक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डेटा यदि आपके पास है तो आप उन दोनों को ऐड कर दो और वो इलेक्ट्रोलाइट की आ गई, बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। इसी तरह से CaCl2 का देखते हैं, अब CaCl2 में देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम तो एक ही है ना, तो ये हो गया आयनिक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम की और ये हो गया आयनिक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, क्लोरीन की, इन दोनों का सम कर देंगे। अब यहाँ पर क्लोरीन के पहले देखो ये 2 लगाया हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी ये CaCl2 है, ठीक है। तो अभी हमने AX और BY लिया था ना, ए एक्स और बी वाई, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है एक और बी सॉरी वाई की वैल्यू क्या है 2, तो वो यहाँ पर ये 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये बात आप भूलना मत भाई, ये नहीं तो गलती कर दोगे, ठीक है, ये बात आप भूलना मत। ये जो नंबर है एनायन का उसको यहाँ हम एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप समझ गए, क्या समझे आप,
बहुत सिंपल है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो उसके इंडिविजुअल आयंस की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उनका सम होती है ना, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एक्स और वाई से, जो क्या है, कैटायन और एनायन का नंबर है, ये याद रखना। NaCl में तो Na प्लस भी एक है, Cl माइनस भी एक है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई नहीं किया, है ना, यहाँ पर Cl दो थे तो हमने दो से मल्टीप्लाई किया उसको, यस। तो ये था भाई कोलराउस का नियम। अब कोलराउस की एप्लीकेशंस भी आपके सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली एप्लीकेशन तो यही हो गई जिसकी वजह से कोलराउस के लॉ का जन्म हुआ, क्यों हुआ, कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो थी वो हम ग्राफ से नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो इसने रास्ता दिया। तो सबसे पहला एप्लीकेशन यही है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। बात आपको समझ में आई, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, बहुत शानदार तरीका है। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए समझ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो वही है जो मैंने अभी बताया था, जैसे आपको CaCl2 की निकालनी है ना, एक CA दो, एक CA की आयनिक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, Cl की आयनिक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई टू, ये करेंगे। अब कैल्शियम की 119 होती है ना, और ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है, इधर क्लोरीन की होती है 76, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये देखो, क्योंकि क्लोरीन का नंबर यहाँ पर 2 है इसमें, है ना, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सोल्व कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये आ गया भाई इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वो आ गई, कौन सी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बिना एक्सपेरिमेंट के सिंपली, ठीक है। हमें सिर्फ इंडिविजुअल आयंस की आयनिक जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी थी वो पता थी, हमने इसके बेसिस पे निकाल लिया। अब मेन एप्लीकेशन किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैंने आपको बीच में वैसे ही बता दिया, गलती से क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरह सोल्व करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। देखो कोलराउस ने बहुत जबरदस्त ट्रिक दी है, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला बताया है, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था सच में ही। तो अच्छा, हम ये जो है, जो हमारी प्रॉब्लम है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो कोलराउस ने तरीका बताया वो क्या है, ठीक है, उसको समझने के लिए हमारे पास ये NCERT का जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है 3.8, देख लेना भाई, है ना, क्लास 12 NCERT एग्जाम्पल 3.8 चैप्टर नंबर 3, ओके। अब इसमें ये यहाँ पर लेमडा एम है, ठीक है, लेमडा एम नोट। अब इसमें इन्होंने क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी होती है उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू चाहिए होती है, उनके बेसिस पे हम वीक की निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सुन लो जरा, यहाँ पर लेमडा एम नॉट की वैल्यू दी हुई है, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, HCl और NaAC, NaAC क्या है, सोडियम एसीटेट, AC आपका क्या है, CH3 COO- एसीटेट है ना, NaAC का मतलब ये लो सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ये है 126, 425 और ये 91, ठीक है, ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है, ठीक है। अब इनके लिए कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, HAC की। अब HAC क्या हुआ, देखो AC तो मैंने आपको बताया ही है, CH3COO-, HAC का मतलब ये हो गया कि अब इससे H+ और जुड़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब आपको यहाँ क्या करना है, इक्वेशन सेटल करना है। इक्वेशन सेटल कैसे करना है मैं बताता हूँ, आपको निकालना है CH3COOH की, ठीक है। अब आपको ऐसा इक्वेशन सेटल करना है जिसका रिजल्ट CH3COOH आए, कैसे, अब इसमें आपको कौन कौन से आयन चाहिए, एक तो आपको CH3COO- चाहिए, अब CH3COO- किस में है, NaAC में है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे NaAC, है ना, या NaCH3, इसको पूरा ही लिख देते हैं CH3, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये ACH भी लिखते हैं इसको, ACH क्यों, एसीटेट आयन और H तो है ही है ना, तो एसिटिक एसिड को ACH भी लिखते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा सबसे पहले NaAC क्योंकि हमें AC चाहिए, देखो AC है ना इधर, CH3COO- जिसको AC बोलते हैं, एसीटेट आयन वो चाहिए, NaAC लिखा हमने। अब NaAC के साथ हमें H+ भी चाहिए, H+ देखो किस में है, HCl में है H+, ठीक है, तो हम HCl ऐड करेंगे, ये दोनों ऐड करेंगे क्योंकि हमें AC यहाँ से चाहिए और H+ यहाँ से चाहिए, तो एडिशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक Na को, Na+ को माइनस करना पड़ेगा, Cl को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस क्या करेंगे, माइनस NaCl करेंगे, ये लो देख लो भाई, NaAC प्लस HCl को ऐड कर दो और माइनस NaCl कर दो, आपका CH3COH आ जाएगा, COOH आ जाएगा, कैसे आएगा ये देखो, ये यहाँ माइनस है ना, इसका मतलब Na भी माइनस का है और Cl भी क्या है, माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस का Cl किससे कट जाएगा, ये प्लस के Cl से कट जाएगा, ये माइनस का Na ये प्लस के Na से कट जाएगा, और ये देखो ये AC और ये H+ आपका बच गया, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया है तो मैं यहाँ बता देता हूँ, ये जो इक्वेशन मैंने सेटल की है NaAC
और प्लस आपका HCl और माइनस NaCl, ठीक है। इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल आयन आयंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें, देखो HCl यहाँ पर पहले लिया हुआ है ये एनसीईआरटी की इक्वेशन में, कोई बात नहीं। तो हमने HCl पहले ले लिया, ये देखो HCl के इंडिविजुअल आयंस की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो लिख दी, ठीक है, एच प्लस और सी एल माइनस, ठीक है। फिर हमने इसमें ऐड किसको करेंगे, NaSC को, तो NaSC हमने यहाँ रख दिया, देखो AC माइनस और ये Na, इसमें ऐड कर दिया, ये देखो प्लस, ठीक है। और कोलराउस ने ये कहा था कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम होता है, तो ये देखो ये भी प्लस है ना, ये देखो एच प्लस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, Cl Cl माइनस की, इसके बीच में प्लस है, इन दोनों के बीच में भी यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे हम क्या, आपका Cl माइनस, ठीक है, ओ सॉरी NaCl माइनस करेंगे, तो NaCl माइनस करेंगे तो Na Na के भी माइनस साइन आएगा और Cl के भी माइनस साइन आएगा, क्योंकि दोनों को माइनस कर रहे हैं ना, ठीक है। अब हम इसमें काटापीटी करेंगे, और काटापीटी करने के बाद में हमारे पास क्या बचना चाहिए, HSC बचना चाहिए। देखो कैसे बचेगा, माइनस का Na प्लस का Na कट गया, माइनस का Cl प्लस का Cl कट गया, ये H बच गया और ये AC बच गया, यही हमें चाहिए था, ये देखो HSC। इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन सही है। अब इक्वेशन सही है तो आप करोगे कुछ ही नहीं, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का ऐड, इसको एडिशन करोगे और इसको माइनस करोगे NaCl को, इन्होंने भी यही किया है। ये देखो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl की है, ये आपके NaSC की है, सोडियम एसिटेट की है, माइनस आपने कर दिया NaCl का, आप इसको सोल्व कर दो, 390 आंसर आ जाएगा, बात खत्म। देखो कितना अच्छा तरीका बताया कोलराउस लो ने, है ना, इक्वेशन जिस भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, तो कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको चाहिए, ठीक है। तो उनके बेसिस पे आप इक्वेशन सेटल कर सकते हो, जैसे मैंने किया यहाँ पर, है ना। और इक्वेशन सेटल करने के बाद आप जो एडिशन हो रहा है तो एडिशन कर दो, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो, और उसको सोल्व कर दो, ये 390 आ गया, ठीक है। यस, अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का 3.8 एग्जाम्पल कितना फेमस है मैं बताता हूँ। ये टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री में 2022 में ऐसे कैसे आया हुआ है, केमिस्ट 2011 में ऐसे कैसे आया हुआ है, स्कूल लेक्चरर के जो परीक्षा है वो इस क्वेश्चन का इंतजार कर रही है, ये कभी भी आ सकता है। आंसर देख लो, 390, 390 आया था ना ऊपर वाली में, जरा देखना, यस 390 है आपका, ये रहा आंसर, तो ये 390 आपका ये रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं, ये हम कर चुके हैं। अब कोलराउस की नंबर 2 एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोलराउस की जो चारों एप्लीकेशन है वो केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा कैसे निकालते हैं, वो आपके लेमडा एम और लेमडा एम नोट के रेशियो से निकालते हैं, बात समझ में आई, ठीक है। अब सुन लो, आपको याद कैसे रहेगा कि लेमडा एम ऊपर है और लेमडा एम नोट नीचे है, ठीक है। उसकी उसका एक तरीका है क्या, कि डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, अल्फा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, अल्फा हमेशा 1 से कम ही होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम होता है हमेशा, ठीक है। तो 1 से कम कब होगा, जब बड़ी वैल्यू नीचे आएगी और छोटी वैल्यू ऊपर होगी, तभी तो 1 से कम आएगा टोटल अल्फा की वैल्यू। यदि हम हमेशा ध्यान रखना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमेशा ही ज्यादा होती है मोलर कंडक्टिविटी से, ठीक है। इसलिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी, वो न्यूमिनेटर में आएगी, और इस तरह से जो अल्फा की वैल्यू है वो हमेशा ही 1 से कम आएगी। तो अब आप समझ में आ गया, बड़ी वैल्यू यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमेशा डिनोमिनेटर में, अल्फा के फॉर्मूले में, ठीक है। इन दोनों के रेशियो से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये लो भाई डिसोसिएशन कांस्टेंट है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वापस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट का, देखो फॉर्मूला ये है, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसमें अल्फा की वैल्यू हमने अभी अभी देखी है क्या, आपकी मोलर कंडक्टिविटी, ओ सॉरी हाँ मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये तो देखिए अल्फा की वैल्यू, ठीक है। ये हमने सब जगह रख दी, यहाँ भी रख दी और यहाँ भी रख दी, ये देखो यहाँ रख दी और ये यहाँ रख दी, ठीक है। अब इसको काटापिटी कर देंगे तो फाइनल में आपको ये मिलेगा, ये फॉर्मूला फ्रेंड्स याद कर लेना, ये डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के लिए है। इसमें यदि आपको सी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इसके अलावा लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी और लेमडा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इन तीन की वैल्यू यदि कोई दे देता है तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फॉर्मूला देख लेना, समझ लेना, ठीक है, पूछ लेना। यस, फोर्थ एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट वो होते हैं जो बहुत ही कम घुलते हैं, बेचारे घुलते ही नहीं है, ठीक है, वो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं, तो वो जो जो थोड़ा सा घुलते हैं वही उनकी सोल्युबिलिटी होती है। तो बेसिकली उनकी जो मोलरिटी होती है वो ही उनकी सोल्युबिलिटी होती है, क्योंकि वो उससे ज्यादा घुलते ही नहीं है बेचारे, ठीक है। तो
अब लेमडा एम नॉट यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये है आपका। हाँ एक बात और भी हो गई कि स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट जो होते हैं वो इतने कम घुलते हैं, इतने कम घुलते हैं कि उनका जो सोल्यूशन होता है ना वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो जो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उसके इक्वल हो जाती है। ये देखो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला है कप्पा यानी कि इस जो आपकी कंडक्टिविटी है वो मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी, ठीक है। अब जो मोलरिटी है ना स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट की वही इनकी सोल्युबिलिटी है, तो इसका फॉर्मूला ये भी हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, है ना, ठीक है। अब सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया फिर इससे, सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला आप इसको सोल्युबिलिटी को इधर ले आओ, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को नीचे ले गए तो ये सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप किसी भी स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, वापस सुन लो, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट जैसे BaSO4 है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट बहुत कम घुलता है, ठीक है। तो ये ऐसे सोल्ट की सोल्युबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं यदि आपको लेमडा एम नॉट यानी कि वीक उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो यदि आपको पता है स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट की, सॉरी वीक की नहीं, स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यदि आपको पता है तो आप उसकी सोल्युबिलिटी निकाल सकते हो। सोल्युबिलिटी पता है तो